नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें दिल्ली अबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई अपनी याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट से दिल्ली के सीएम को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजे राजू ने सीएम को राहत दिए जाने का विरोध किया है और उनकी तरफ से पेश हुई वकीलों की फौज पर आपत्ति दर्ज की है। ईडी का कहना है कि गोवा इलेक्शन का फंड करने के लिए सीएम केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को शराब नीति की मदद से फ़ायदा पहुंचाया, बदले में गोवा चुनाव में उन्हें भरपूर फंड मिला। अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 3 अप्रैल की तारीख तय की है। इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में पहली घटना है जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाला गया है। इसी मामले में डिप्टी सीएम सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। 15 मार्च को ईडी के मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।